आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। मैं आज पालक की साग बनाने जा रही हूँ। पालक साग को मैं अच्छी तरह से चुन लेती हूँ और उसको अच्छे से दो तीन पानी से धो लेती हूँ। धोने के बाद उसको अब मैं काट लूँगी, छोटे छोटे टुकड़े में काटूँगी। देखिए मैं किस तरह काट रही हूँ। इसी तरह से सब साग को मैं काट लूँगी। उसके साथ मैं एक ठो आलू ले रही हूँ। आलू को मैं छिलका उतार रही हूँ। आप चाहे तो छिलका उतार सकते हैं या नहीं उतार सकते हैं। उसको छोटे छोटे टुकड़े में काटूँगी। कढ़ाई मेरा गरम हो गया है, उसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। अब उसमें मैं लहसुन और हरी मिर्च डाल देती हूँ और उसको मैं गोल्डन फ्राई होने तक भूनूँगी। देखिए थोड़ा सा और लाल होगा। अब मैं कढ़ाई में साग और आलू दोनों को डाल दे रही हूँ। अब उसको चला लेते हैं। थोड़ा सा कम हो जाने के बाद उसमें स्वाद अनुसार में नमक देंगे। देखिए स्वाद के अनुसार मैं नमक दे रही हूँ और एक ठो टमाटर काट के भी दे रही हूँ। उसे मिला के मैं ढक दूँगी, अच्छी तरह से गल जाएगा। देखिए साग और आलू अभी गला नहीं है, थोड़ा सा और गलेगा। उसको फिर से ढक देंगे थोड़ा सा मिला के। और देखिए आलू गल गया है और पानी जो है थोड़ा सा उसको सोखने देंगे। आप ऐसा घर में ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छा स्वाद लगता है। देखिए पानी कम हो गया, थोड़ा सा और कम होगा। देखिए पानी सब मेरा सोख गया। अब उसको अच्छी तरह से चला के उसको अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए और साग मेरा बन गया। आप इसे खाइए और बताइए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।